बांडा क्षेत्र में झोलाछाप, डॉक्टरों का बोलबाला काफी ज्यादा हो गया है। ऐसा ही एक मामला जीवनदीप हॉस्पिटल कुखोड़ी का सामने आया है, जहां पर डॉक्टर द्वारा मरीजों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। बता दें कि जीवनदीप हॉस्पिटल में पहले तो वहां के डॉक्टर द्वारा मरीजों को बहला फुसला कर अपने हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके उनका खून चूसने का काम करते हैं। बता दें कि बिल पेमेंट को लेकर कई बार मरीजों से कहा सुनी भी हो चुकी है। ऐसा ही हाल में एक मामला सामने आया था। मांडा क्षेत्र के अंजनी हॉस्पिटल टीकरी का भी मामला सामने आया था, जहां पर हॉस्पिटल के मालिक द्वारा मरीजों से बिल पेमेंट को लेकर अभद्रता की गई थी। प्रयागराज मांडा जीवनदीप हॉस्पिटल में मरीज बिकते हैं, चौकी नहीं, ये हकीकत है। इनकी दुकानें मंडिया है, जहां बाकायदा सौदा होता है। दूसरे जिलों से लाए गए मरीजों की बोली लगती है। निजी हॉस्पिटल से ऑफर दिया जाता है। एक मरीज के इलाज में वसूली जाने वाली रकम 30 से 35% हिस्सा होती है। आजकल इन मांडियों में यही भाव चल रहा है। आप इसे दलाली कहिए या कमीशन कहिए, पर यह धंधेबाजों के लिए इंसेंटिव है।